हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स देख रहे हैं वो डिफरेंट इंटीग्रेशन का सेकंड टॉपिक्स है। फर्स्ट जो लेक्चर्स था उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था लिमिट एज ए सम। अभी भी हम लोग उसी पर हैं, लिमिट एज ए सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हम लोग उसका एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे लिमिट एज ए सम का। ठीक है, तो देखो इसमें जब हम लिमिट एज ए सम देखते हैं, लिमिट एज ए सम, तो इसमें हम लोग ये चीज देख रहे थे कि कोई भी जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ए से लेकर के बी, इसमें जब हम इंटीग्रेट करते हैं, और ये चीज हमने बताया था कि ये फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए है, जहां पर की जो फाई ऑफ एक्स है उसका वो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका वैल्यू जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब है कि इसको हम लिमिट से कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें तुमको ये चीज बताए थे उस लेक्चर में भी कि अगर हमको कोई फंक्शंस दिया हुआ है और उस फंक्शंस का अगर हमको ग्राफ पता हो, ठीक है, अगर ये मान लो कि सपोज करो कि ग्राफ है, तो इसमें हम लोग ये टर्म्स को और x बराबर a से लेकर के x बराबर b के बीच में स्क्रिप्ट्स लेकर के हम तुमको बताए थे। ठीक है, उसमें आया था फॉर ब्रीफ a प्लस आर एच, ठीक है ना, इसका सिग्मा लिए थे, और इधर आया था h, h जो है वो h का जो वैल्यू है वो b माइनस a अपॉन n करके कंसीडर किए थे। ठीक है ना, b माइनस a मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो विड्थ है उसको n पार्ट्स में डिवाइड किए थे, और उसमें जो एक पार्ट है ये h था, और इस h का वैल्यू b माइनस a अपॉन n हो जाएगा, वही h टाइम्स ये था। यहाँ पर r का वैल्यू तुम दोनों ले सकते हो, या तो हम 0 से n माइनस 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बोले थे सिग्मा ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच लो, और r की वैल्यू हम लोग 1 से लेकर के n तक भी ले सकते हैं, दोनों केसेस बताए थे। और इसमें जब हम h टेंडिंग टू 0 या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट दिया रहता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इन दोनों का वैल्यू ही बराबर आता है, राइट, ये चीज़ हम लोग एक्सप्लेन किए थे, इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं दिया रहेगा तब इसका वैल्यू और इसके वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी कभी तुमको लिमिट का केसेस आएगा जिसमें हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, लिमिट में इंटीग्रेशन, लिमिट वाले चैप्टर्स में जा करके देखना, इस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा नहीं किए थे, इस टॉपिक्स को हम लोग कवर नहीं किए थे लिमिट वाले केसेस में। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि कब हम लिमिट का यूज, लिमिट में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो फिर बेसिकली इससे हम लोग ये चीज कहते हैं, ये भी थे उसमें कि जो ए है ना, स्पेशल केस अगर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू अगर 1 है, मतलब ये स्पेशल केसेस है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ आर, और h की जगह पर तुम b माइनस a रखोगे, b का a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1, तो ये r बाय n हो जाएगा। ठीक है ना, और ये भी तुम्हारा h जो है वो 1 बाय n आ जाएगा, यही सिग्मा है। r की वैल्यू 0 से लेकर के n लिखो, या 0 से लेकर के n माइनस 1 लिखो, या 1 से लेकर के n तक लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 से लेकर के n लिखो, 1 बाय n f ऑफ r बाय n। और इसमें हम लोग इस टर्म्स के लिए बोले थे कि इस सिग्मा के बदले में तुम इंटीग्रेशन यूज करो, इस सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन रखो, 1 बाय n के बदले में dx रखो, और r बाय n के बदले में x रखो, तो ये फंक्शंस बन जाएगा f ऑफ x इनटू dx। ये तभी यूज करना है जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी हमको लिमिट्स दिया हुआ हो, ये ध्यान रखना, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट दिया हुआ हो और सिग्मा 1 अपॉन n f ऑफ r अपॉन n के केसेस में दिया हुआ हो, तो इस सिग्मा के बदले में हम ये समेशन यूज करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन यूज करते हैं, f ऑफ r बाय n वेरिएबल के बदले में x लिए थे, 1 बाय n को हम dx लिखते हैं, और इसका जो लोअर लिमिट होगा वो 1 अपॉन n होगा, या r का लोअर वैल्यू अपॉन n और r का अपर वैल्यू अपॉन n, मतलब इस 1 अपॉन n को n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर ये 0 हो जाता है, n अपॉन n पर ये वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब इस समेशन को, इस सीरीज को हम ऐसे भी इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं, यही है लिमिट एज ए सम 0 से लेकर के 1 एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये 0 से 1 हमेशा नहीं होगा, वो n पर डिपेंड करेगा, अगर r का वैल्यू 1 से लेकर के 2n होगा तो अपर लिमिट जो है वो r का अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय n है, ये ध्यान रखना है,
यहाँ पर जो आएगा वो r का अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू ऑफ r होल डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर अभी भी r का अपर वैल्यू n है, r का लोअर वैल्यू 1 है, यहाँ पर जो होता है वो लोअर वैल्यू ऑफ r बाय n है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट दिया हुआ है। तो r का लोअर वैल्यू 1 था इसलिए 1 अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 हो गया, तो लोअर लिमिट इसका 0 हो गया, ठीक है। और अपर लिमिट r का वैल्यू n है, सो n बाय n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1 हो गया, तो अपर लिमिट इसमें 1 हो गया। मतलब इस केसेस को हम इस तरह से इंटीग्रेट करके भी कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिट एज ए सम, ठीक है। इस पर हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो तुमको कोई भी सम दिया रहेगा इस फॉर्म में ब्रेक करो और इस फॉर्म से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रेशन में और फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे कि सपोज करो हम अपने सीट से ले रहे हैं क्वेश्चंस, मान लो कि हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सबसे सिंपल है 1 टू द पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10, ठीक है, अप टू ये दिया हुआ n की पावर 10, n की पावर 10 होल डिवाइडेड बाय n की पावर 11, ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आर की पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन की पावर 11, आर का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के कहां तक एन तक, ऐसे लिख सकते हैं। देखो सिग्मा का मतलब होता है कि आर के हर वैल्यू के लिए तुम सम यूज करो, आर का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 की पावर सॉरी 10 है तो 10 हो गया होगा, ठीक है, आर की वैल्यू 1 की पावर 10, आर के वैल्यू 2 लो तो 2 की पावर 10, 3 लो 3 की पावर 10 एंड सो ऑन, एन की वैल्यू आर की वैल्यू एन तक लो एन की पावर 10। तो अभी हम लोग इसमें अभी जो टर्म्स तुमको बता रहे थे उसमें था r बाय n, तो हम क्या करेंगे इसको r बाय n की पावर 10 लिख दिए, तो ऑब्वियस है n की पावर 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा आया होगा, n की पावर 10 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए होंगे, इसी का सिग्मा है, डिवाइडेड बाय n की पावर 11 है, तो यहाँ से एक टर्म्स तो n तो कॉन्स्टेंट है ना, r वेरिएबल है ना, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक था, इस n को तुम बाहर कर सकते हो, तो बाहर जब करोगे तो 1 अपॉन n हो गया होगा, क्योंकि यहाँ n की पावर 10 n की पावर 11, सिग्मा के अंदर में बच गया होगा r बाय n की पावर 10 और r की लोअर लिमिट है 1 से लेकर के अपर लिमिट n तक। तो अब इसके लिए हम लोग इसमें लिखा हुआ है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो करा ऐसे लिमिट को निकालने के लिए तुम इंटीग्रेशन का यूज करो, तो इंटीग्रेशन में इस सिग्मा के बदले बोले इंटीग्रेशन लगाओ, r बाय n के बदले में x लगाओ, x की पावर 10 हो गया, 1 अपॉन n जो है वो dx हो गया, लोअर लिमिट r का 1 है तो 1 अपॉन n 0 हो गया, अपर लिमिट n है n अपॉन n 1 हो गया। So, इसका जो वैल्यू है x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करो 11 बाय 11, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, अपर लिमिट पुट करो 1 बाय 11, लोअर लिमिट पुट करो 0, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय 11। ये तरीका है इस लिमिट को निकालने का, इंटीग्रेशन मेथड है, इसी को बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए, ऐसे केसेस में क्या रहा होगा ना, तुम देखोगे कि कब हम अप्लाई करते हैं ऐसे के कहां अप्लाई करते हैं, तो ये हर टर्म्स जीरो होगा, हर टर्म्स का सम हर टर्म्स जीरो होगा और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफिनाइट होगा, तो ऐसे केसेस में हम लिमिट एज ए सम का यूज करेंगे, हर टर्म्स का वैल्यू जीरो देखना, क्योंकि 1 बाय n, 2 बाय n, 3 बाय n, n बाय n, ये सब टर्म्स का सम सब टर्म्स जो है n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर जीरो हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n टेंडिंग टू इनफिनिटी, मतलब इसमें इनफिनाइट टर्म्स है, तो ऐसे केसेस में हम लिमिट एज ए सम को यूज करते हैं, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमें सम करना है इसका, देखो ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स ले रहे हैं, लिमिट दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस m, n प्लस m, ठीक है, फिर 1 अपॉन n प्लस 2m, n प्लस 2m, ठीक है, एंड सो ऑन, ये लास्ट में दिया हुआ 1 अपॉन n प्लस nm, ठीक है। अब तुमको यहाँ देखो, तुमको इस फॉर्म में हमको लाना है, पहले हम सिग्मा लगाए, 1 ऊपर में सब जगह था तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय n, n, n सब में है, n आ गया, वेरिएबल क्या है m का कोफिशियंट, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ n था, तो वो r हो गया, m तो हर जगह आ रहा है, ये m हो गया, r की वैल्यू क्या है 1 से लेकर के n तक है, तो सिग्मा नोटेशंस में आ गया। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें लिमिट हमको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया ही है।
अगर ऐसे केसेस के लिए हम इंटीग्रेशन का टर्म्स यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें से n को बाहर कर लो, तो पहले हम उस फॉर्म में लाएंगे f ऑफ r बाय n के फॉर्म, मतलब हमको इस फॉर्म में लाना ही है 1 बाय n f ऑफ r बाय n, ऐसे हमको लाना ही है। तो इसमें से n को बाहर किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 r बाय n आ गया होगा इंटू m, ठीक है, 1 अपॉन n भी आया होगा, ये सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो सेम यही फॉर्म आ गया। इसका जो टर्म्स हो गया, फंक्शंस क्या बन गया, 1 बाय 1 प्लस r बाय n x हो गया, m तो एज इट इज है mx हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लग गया इस सिग्मा के बदले, लोअर लिमिट 1 बाय n 0, अपर लिमिट n बाय n दैट इज 1 बाय n यहां पर dx, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शंस बन गया, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ये ln ऑफ mx plus 1 होल डिवाइडेड बाय m होगा, इसमें हम 0 से 1 इंटीग्रेशन का लिमिट लग देंगे, तो ऊपर में जब x की वैल्यू 1 रखोगे ये आ जाएगा ln m plus 1, ठीक है, 1 बाय m तो बाहर में है, बाहर ही रहेगा, और 0 जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 ln 1 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू इतना ही रह गया, मतलब 1 बाय m ln m plus 1, ये इसका सम का वैल्यू आ गया, मतलब इस लिमिट का वैल्यू यही है। तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल्स और ले रहे हैं, देखो इस तरह का केसेस भी आता है कि ये बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल n बार n की पावर n होल टू द पावर 1 बाय n, ऐसे है होल टू द पावर 1 बाय n, इसमें भी लिमिट दिया हुआ है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्मा तो कहीं लिखा नहीं है, तो याद होगा कि जब भी हमको एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्म रहता है तो उसमें हम लॉग लेते हैं, याद आ गया, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। जैसे ही लॉग लोगे तो थोड़ा सा पहले इस टर्म्स को देखो, जो अंदर में टर्म्स है ना, एन फैक्टोरियल का मतलब 1, 2, 3 अप टू एन तक, नीचे में जो पावर है वो एन की पावर एन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन इंटू एन अप टू एन, एन टाइम्स होल टू दी पावर 1 बाय एन है, तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय एन इंटू 2 बाय एन इंटू 3 बाय एन, ठीक है, इसको अप टू एन बाय एन ऐसे भी लिख सकते हैं होल टू दी पावर 1 बाय एन, ये सब चीज ना तुमको प्रैक्टिस से आएगा। और इसमें हमको लिमिट लेना था n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हम तो सिग्मा वाला टर्म्स ढूंढ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू मान लेंगे कुछ है, मान लो इसका वैल्यू k है, और दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, लॉग k बेस e ले ली, तो इधर जब लॉग लोगे तो आ जाएगा 1 बाय n लॉगरिथम ऑफ ये 1 बाय n 2 बाय n 3 बाय n अप टू n बाय n, ऐसे आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि ये जो टर्म्स है ना 1 बाय n, ये आ जाता है ln 1 बाय n ln 2 by n ln 3 by n, ऐसे सम में आ जाएगा, ठीक है, अप टू ln n by n, ऐसे आ जाएगा। तो क्या अब वो फॉर्म आ गया सिग्मा ln r by n, ठीक है, अब r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रख दो। अब देखो ये टर्म्स आप पहले सिग्मा में कन्वर्ट किए, अब फिर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ln x आ गया, फंक्शंस बन गया ln x, सिग्मा का इंटीग्रेशन आ गया 1 by n आ गया होगा dx, लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज 1, सो ln x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आता है, अगर याद होगा x ln x माइनस x, ये आ गया 0 से लेकर के 1, 1 पुट करोगे ये आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि ये 1 ln 1 0 1 पर, और 0 पर ये टर्म्स 0 है, इसका वैल्यू माइनस 1 है, लेकिन ये log k बेस e का वैल्यू है, हमको k चाहिए, तो k हो जाएगा e की पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाय e, ये हमारा आंसर हो गया, मतलब सर इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 अपॉन e है। देखो बहुत आसान हो रहा है ना, ठीक है ना, इस तरह से हम लिमिट कंसीडर करते हैं। देखो एक एग्जांपल्स और ले रहे हैं, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो एक बार जी जेई के इसमें आया हुआ है, इंट्रेंस में आया हुआ है, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है जेई वाले, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चंस आया था कि फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए इज अ रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ए नॉट इक्वल टू माइनस 1, ए का वैल्यू माइनस 1 नहीं है, एंड फाइंड द लिमिट, लिमिट इसमें दिया हुआ है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, दैट इज 1 की पावर a, 1 की पावर a प्लस 2 की पावर a अप टू n की पावर a, ठीक है, डिनोमेटर में दिया हुआ है n प्लस 1 होल टू द पावर a माइनस 1, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है n a प्लस 1, फिर n a प्लस 2, n a प्लस 2 अप टू, ये दिया हुआ है एन ए प्लस एन, और ये ब्रैकेट क्लोज,
और इसका वैल्यू कर रहा है कि 1/60 है, ये दिया हुआ है। देन द ए इज इक्वल टू, ए का क्या वैल्यू होगा, इसमें ऑप्शंस है, ए का वैल्यू 5, 7 ऐसे दिया हुआ है, ए का वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू -15/2 होगा या ए की वैल्यू -17/2 होगा, ये सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। करा इसमें ए का वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ऊपर में जो सम दिया हुआ है और नीचे में जो सम है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। तो जब रीअरेंज करो तो ऊपर से n की पावर a को कॉमन ले लो, n की पावर a कॉमन ले लिए, तो क्या ये 1/n की पावर a हो गया, 2/n की पावर a हो गया, ठीक है ना, n/n की पावर a हो गया, ऐसा आ रहा दिख रहा है, n की पावर a से हमने डिवाइड कर दिया या कॉमन ले लिया। सिमिलरली अगर तुम नीचे में देखो तो इससे n की पावर n को बाहर ले लो, तो n की पावर a माइनस 1, ये 1+1/n^a-1 हो गया होगा, और इसमें जो na+1, na+2, na+3 है, अगर हम इसमें से भी n को बाहर कर लें, n को अगर हम बाहर कर लें तो तुम देखो कि जो ब्रैकेट में बच रहा होगा वो बच रहा होगा a+1/n, फिर आ रहा होगा a+2/n, ठीक है ना, एंड सो ऑन a+n/n ऐसे आ रहा है। अब अगर हम इसको सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो देखो ये n की पावर a, इसको हम लिख सकते हैं ना σr/n की पावर a। अब तुमको लग रहा होगा कि ये तो सिग्मा आ गया तो मतलब फंक्शंस में कन्वर्ट होगा, तो फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए 1/n होना चाहिए, तो यहाँ पर एक n और आ गया, या n की पावर तुम a+1 लिख सकते हो, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर n की पावर a-1 था। ये देखो इसमें पार्शियल लिमिट हम पुट कर सकते हैं, याद होगा पार्शियल लिमिट का, यहाँ पर जब n टेंडिंग टू इनफिनिटी है तो 1/n तो 0 हो गया होगा, तो इसको तो 1 ही है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस टर्म्स को यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 है n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर, ये n यहाँ पर आया होगा। अगर तुम इस सिग्मा को भी लिखोगे a+r/n, तो यहाँ पर एक 1/n चाहिए, तो यहाँ पर एक n और चाहिए, तो अब देखो n की पावर a-1, n की पावर यहाँ से 2, तो ये वाला टोटल टर्म्स जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब फाइनल तुमको जो सिग्मा आया है वो σr/n की पावर a 1/n होल डिवाइडेड बाय a+r/n का सिग्मा 1/n, r की वैल्यू 1 से लेकर के n, इधर भी r की वैल्यू 1 से लेकर, ये थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए, ठीक है, क्योंकि ये n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर ये सिग्मा के नोटेशंस में आ रहा था तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हम इंटीग्रेट करके ही निकालेंगे। तो अब ये फॉर्म जो है वो समेशन के टर्म्स में आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर a dx हो गया, और 0 से लेकर के 1, डिनोमिनेटर में भी आ गया a+x, ठीक है, a+x dx, ठीक है, 0 से लेकर के 1 ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को जब इंटीग्रेट करो तो वो आ जा रहा है x की पावर a+1/a+1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1, और नीचे वाला टर्म्स जो है वो आ जाएगा ax+x2/2, और इसमें भी 0 से 1, ठीक है। सो इसका वैल्यू 1 पर आ जाएगा 1/a+1, और नीचे में जो टर्म्स है इसका वैल्यू आ गया a+1/2, और 0 पर तो ये भी 0 और ऊपर वाला भी 0, ये हमको फाइनल आ रहा है, मतलब 2/a+1 × 2a+1, और यही लिमिटिंग वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, 1/16, अब 1/16 से इक्वेट कर दो। जब इक्वेट कर दोगे तो अब a में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया, दिख रहा है a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशंस आ जाएगा 2a² + 3a + 1 = 120, 120 इधर माइनस कर दो तो आ जाएगा माइनस में 119, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दो तो ये फैक्टर्स हो जा रहा है 14 × 17 का सेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a² + 17a - 14a - 119, दैट इज इक्वल टू 0, सो 2a + 17 एक फैक्टर्स है और a-7 एक दूसरा फैक्टर्स है, ठीक है, तो a का जो वैल्यू है वो -17/2 है और a का वैल्यू 7 है। देखो इसमें दोनों वैल्यू इसमें मैच कर रहा है, एक a का वैल्यू 7 भी है और a का वैल्यू -17/2 भी है। अब यहाँ पर देखो कितना कंसेप्चुअल दिया हुआ है, अगर दोनों ऑप्शंस करेक्ट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, कैसे गलत हुआ सो देखो, ठीक है, अगर हम इस लिमिट्स की देखें, यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू आया था, अगर तुम a का वैल्यू निगेटिव रख रहे हो, a का वैल्यू अगर तुम निगेटिव रखोगे यहाँ पर,
ठीक है, इसको अलग से देखो, अगर आप a की वैल्यू निगेटिव मतलब x की पावर माइनस 17 बाई 2 रख दिए और इसको इंटीग्रेट किए 0 से 1 के बीच में, तो x की पावर तो माइनस 15 बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 15 बाई 2 आया होगा 0 से लेकर के हुआ। तो जब लिमिट डालोगे ना तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये माइनस 15 बाई 2, अब ये जो टर्म्स था ये तो 1 अपॉन x की पावर 15 बाई 2 है, इसमें 0 से 1, 1 पर तो वैल्यू 1 है बट 0 पर क्या वैल्यू है, 0 पर तो 1 अपॉन 0 डिफाइन ही नहीं है, मतलब इसके डोमेन में नहीं है। तो ये चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं फॉर a बराबर माइनस 17 बाई 2। देखो कितना कंसेप्चुअल पूछा था, अगर a की वैल्यू माइनस 17 बाई 2 पुट कर देंगे तो ये लिमिट यहाँ पर ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब a की वैल्यू ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, a की वैल्यू सिर्फ 7 ही पॉसिबल है। सो a का वैल्यू क्या होगा, 7, सिर्फ एक ही में टिक करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को तुमको पूछता है जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है, मतलब बेसिक नॉलेज तुमको है कि नहीं है ये चीज जज करता है जेई वाले, ठीक है, तो इस पर खासा ध्यान रखना है, हर चीज को माइन्यूटली देखना है और फिर कैलकुलेट करके आंसर करना है, ठीक है। तो ये जेई का क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और टर्म्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसको देख लिया, एक क्वेश्चन और आया हुआ है जेई में ही, उसको जिसको हम लिमिट एज ए सम से कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं। देखो ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, पहले देख लो, इसमें कह रहा था इसमें कि लेट Sn इज k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n क्यूब है, ठीक है, इसका सिग्मा है और इसमें k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, k की वैल्यू 1 से लेकर के n है, और दूसरा इसमें tn भी दिया हुआ है और इसमें सिग्मा है सेम k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n क्यूब है, ठीक है, और इसमें n जो है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है और इसमें k की वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 1 है। देखो क्या चालाकी किया, इसमें k का जो वैल्यू है वो 1 से n है और इसमें k की वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस 1 है, लेकिन कहीं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखा है, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखता ना तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होता। ध्यान से देखो, कहीं लिखा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखा है, और ऑप्शंस जो है वो भी तुमको इसी फॉर्म में दिया हुआ था कि ये बताओ कि Sn जो है वो लेस देन 4 बाय 3 है या Sn जो है वो Tn जो है वो ग्रेटर देन 4 बाय 3 है या Sn जो है वो ग्रेटर देन 4 बाय 3 है और Tn जो है वो लेस देन 4 बाय 3 है, ऐसे ऑप्शंस भी दिया हुआ है, मतलब सम निकालो, तुम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाओगे बट तुमको बताना है कि इसका वैल्यू 4 बाय 3 से कम है या ज़्यादा है या Tn का वैल्यू 4 बाय 3 से कम या ज़्यादा है। तो हम लोग इसमें जब सम निकालते हैं तो हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके बिना ये बनेगा नहीं। मान लो कि हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि n स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस k बाय n का होल स्क्वायर और बाहर में एक आ गया होगा 1 अपॉन n, ठीक है, n स्क्वायर k बाय n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल हो गया 1, ठीक है, ये सिग्मा आ गया, k का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, चाहे ये लो चाहे ये लो, k का वैल्यू 1 से लेकर के n है, लेकिन अगर हम लिमिट इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं दोनों का वैल्यू बराबर होता है जो कि फर्स्ट लेक्चर से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, तो ये सम कैसे आएगा, तो ये 1 प्लस x का स्क्वायर हो गया होगा dx और ये सिग्मा सॉरी हाँ 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, r की जगह पर k लिखा है और कुछ नहीं, तो 1 प्लस x स्क्वायर क्या आ जाएगा, x प्लस x क्यूब बाय 3 और इसका लिमिट 0 से 1, तो वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 1 बाय 3 और 0 पर तो 0 ही है दैट इज 4 बाय 3। तो ये तो बात तय है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू तो 4 बाय 3 ही होगा, लेकिन ना तो इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना ही इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि Sn जो होगा वो 4 बाय 3 से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर तुमको बेसिक चीज़ देखना होगा, फंक्शंस क्या बना, 1 प्लस x स्क्वायर, पहले 1 प्लस x स्क्वायर का ग्राफ देखो, 1 प्लस x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो इस तरह का नेचर है, ठीक है, ये नेचर है 1 प्लस x स्क्वायर का, क्योंकि ये y बराबर x स्क्वायर ही है। अब तुमको इसमें देखना है कि हमको लिमिटिंग वैल्यू या तो k का वैल्यू 0 से मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 है, मतलब ये 0 से 1 के बीच में हम लोगों को कर रहा है देखने के लिए, ठीक है, बेसिकली यही चीज देखना था, मतलब इसी एरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो हम कंसीडर किए हैं उसमें फंक्शंस का इंटीग्रेट करके किए हैं, मतलब हमने मान लिया कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बट इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ था,
तो इसमें क्या किया है, के का वैल्यू वन अगर लिया होगा तो देखो उसमें दो टर्म्स बताए थे, एक में लिए थे a प्लस आर एच, ठीक है, r का वैल्यू जीरो से लेकर के n माइनस वन, और एक में हम लोग लिए थे r का वैल्यू वन से लेकर के n तक, ठीक है। यहाँ से देखो तो जीरो से लेकर के n तक n माइनस वन कब आया होगा, तो जब तुम स्ट्रिप काट रहे हो, ऐसे जब स्ट्रिप लोगे इसके बीच में इनफिनाइट स्ट्रिप जब कंसिडर किया होगा, ठीक है, देखो तो जब जीरो लिए होंगे ये तो कर्व इंक्रीज कर रहा है ना, धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा और स्टीप बनाते तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा स्टीप बना देते ऐसे, ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो जब जीरो वाला लोगे, जब ये कंसिडर करोगे तो बताए थे कि ये हाइट जो है वो छोटा है इस हाइट से, इस हाइट से, ठीक है। तो जीरो वाले केसेस में जब हम कंसीडर किए होंगे के बराबर जीरो, तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट स्ट्रिप को लिया होगा ये, और यहाँ से इस हाइट को कंसीडर किया होगा, इसका मतलब हमने ये वाला टर्म्स को करा ऐड करने के लिए, फिर हम लोग इसको ऐड किए दिस, ठीक है, फिर हम इसको ऐड किए दिस, ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐड किए ऐसे, फिर हम लोग इसको ऐड किए, और लास्ट में हम लोग एन माइनस वन लिए होंगे, मतलब उससे पहले वाला। तुमको देखो तुमने क्या किया, तुम तो एरिया निकाल लिया ऊपर वाले का, तो ऑब्वियस है जो तुमको निकालने के लिए कह रहा था वो इस वैल्यू से कम होगा, क्योंकि हर बार तो ये गैप बच रहा है ना, ये कह रहा था तुमको कैलकुलेट करने के लिए दिस स्ट्रिप दिस 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 दिस, लेकिन तुमने क्या किया इस टोटल को कंसिडर कर लिया, तो जो टोटल कंसिडर किया हुआ है ये किसका लिए टी एन की वैल्यू जीरो, मतलब टी एन की वैल्यू, तो टी एन की वैल्यू जो होना चाहिए उस जो हमने कैलकुलेट किया है इससे कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब Tn should be less than 4/3, Tn का वैल्यू 4/3 से कम होनी चाहिए, मतलब ये ऑप्शंस करेक्ट है Tn के लिए, क्लियर हो गया क्या। अब देखो जब Sn निकाले होंगे, ठीक है, Sn जब निकाले होंगे इसी में देखो कि इसका मतलब है कि इस तरह से हमको आया जीरो से लेकर के हमको वन तक कर रहा था, इसको हमने फिर स्ट्रिप्स कट किया ऐसे, ठीक है, अब इसमें क्या की वैल्यू वन, मतलब ये वाला स्ट्रिप्स करा लेने के लिए ये तो थोड़ा हाइयर है ना, मतलब ये एरिया पहले कैलकुलेट हुआ होगा, फिर जब ये लाइन लोगे तो तुमको ये वाला एरिया कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है, जब ये लाइन लोगे तो ये वाला एरिया कैलकुलेट, फिर ये वाला एरिया, फिर इस तरह से ये वाला एरिया, तो हर बार तुमने क्या किया कुछ एक्स्ट्रा ले लिया ना, हमने तो ये वाला कंसिडर किया है ये कर्व कर्व के नीचे वाला एरिया, लेकिन पूछ तो रहा था ये ऊपर वाला तक, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो Sn होना चाहिए इस 4/3 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, so Sn must be greater than 4/3, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है, तो इससे तुमको समझ में आया होगा कि कब हम बोलते हैं इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आया है वो कम आया या ज्यादा आया, ये सब इस टाइप का क्वेश्चंस तुमको एक्सपेक्ट करता है JEE कि ऐसे क्वेश्चंस को तुम टैकल करो, ऐसे क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। एक बार और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी तुमको इसमें दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसको ढंग से समझ लो, बार बार इसको देखो क्या क्या हमने कंसीडर किया और कैसे इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें तुमको बता रहे हैं, ठीक है, मान लो कि ये क्वेश्चन ये भी JEE में ही आया हुआ है कि लेट Sn इज, Sn आया हुआ है सिग्मा एन अपॉन दैट इज एन स्क्वायर प्लस के एन प्लस के स्क्वायर, ठीक है, के का वैल्यू अगेन दिया हुआ है, के का वैल्यू वन से लेकर के एन तक, के का वैल्यू वन से लेकर के एन तक, और फिर टी एन लिखा हुआ है सिग्मा, सेम चीज होगा एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के एन प्लस के स्क्वायर, और इसमें के की वैल्यू जीरो से लेकर के की वैल्यू जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक, ठीक है, ऐसे लिखा है, कह रहा है कि n इसमें फिर से नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और बताओ कि तुम्हें Sn जो है वो लेस देन पाई बाय 3√3 है, या Tn जो है, या Sn जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय 3√3 है, फिर Tn सिमिलरली लेस देन पाई बाय 3√3 है, और Tn जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय 3√3, ठीक है। इसमें ऐसे देखो कहीं लिखा हुआ है n टेंडिंग टू इनफिनिटी, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको सम करने के लिए n टेंडिंग टू इनफिनिटी का हमको यूज करना है, अदरवाइज ये लिमिट्स इसका वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, सीरीज में ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा, टर्म वाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, जब इसको टर्म बाय सॉल्व करोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, इसमें हमको इंटीग्रेशन एज ए लिमिट एज ए सम लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है इसमें से एन स्क्वायर को बाहर कर लो, ठीक है, तो ऊपर से एक एन कैंसिल हो गया होगा, तो वन अपॉन एन स्क्वायर एक वन बाय एन बच गया, यहाँ पर बच गया वन के बाय एन प्लस के बाय एन का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया होगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस बन गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और लिमिट इंटू डी एक्स और लिमिट हो गया जीरो से लेकर के वन तक, चूंकि यही सिग्मा है, के का वैल्यू वन से लेकर के एन लो या के की वैल्यू जीरो से एन माइनस वन लो, चूंकि इसमें लिमिट हमने कंसिडर किया एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये अपने मन से कंसिडर कर लिए, चूंकि बिना लिमिट एज ए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कंसिडर किए इसका वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंसिडर हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए याद होगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स स्क्वायर टू इंटू वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर दिया जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस इसमें कितना आ गया सॉरी वन माइनस वन बाई फोर तो थ्री बाई फोर दैट इज रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है, फोर माइनस वन थ्री रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। तो इसको जब कंसिडर करोगे यहाँ पर वन बाय एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, इसका लिमिट इसका इंटीग्रल है वन बाय ए, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया वन बाय ए दैट इज रूट थ्री बाय टू टैन इनवर्स एक्स बाय ए दैट इज एक्स प्लस हाफ बाय रूट थ्री बाय टू, ऐसे आ गया, ठीक है। इसमें लिमिट्स हमको जीरो से वन है, ये आ गया टू बाय रूट थ्री और ये टैन इनवर्स, अब एक्स की वैल्यू वन पुट कर दो तो वन प्लस वन बाय टू दैट इज थ्री बाय टू, ऊपर में थ्री बाय टू और फिर रूट थ्री बाय टू, ठीक है, फिर माइनस टैन इनवर्स जीरो पुट कर दो तो वन बाय टू और रूट थ्री बाय टू, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से टू टू कैंसिल हो गया, ये आ गया टैन इनवर्स रूट थ्री, यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया टैन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, टैन इनवर्स रूट थ्री आ गया तुमको कितना, ठीक है, टैन सिक्सटी दैट इज पाई बाय थ्री और माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है, ये आ गया टू बाय रूट थ्री। सो इसका वैल्यू वही आ जाएगा, नीचे में एलसीएम ले लो सिक्स टू पाई माइनस पाई बाय टू बाय रूट थ्री, सो दिस इज पाई बाय थ्री रूट थ्री, ये वैल्यू आ गया, मतलब ये तो आना ही था, ठीक है। अब हमको कंसिडर करना है कि ये तो हमने कैलकुलेट किया एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ना, नहीं तो ये एस एन और टी एन इससे या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि इसमें के का वैल्यू जीरो से लेकर एन माइनस वन है। तो अब देखो, तो जैसे ही इसका ग्राफ, अब इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ याद होगा, ग्राफ वाले में भी बताए हुए हैं, रेंज जब कर रहे थे उसमें वन अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताए, और इस क्वाड्रेटिक का यहाँ पर कोई रूट्स नहीं है, इसमें कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, शेप जो होगा वो डोम शेप होगा, कहाँ पर माइनस हाफ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये केस ऐसे आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, ये कर्व है, ठीक है, यहाँ के बाद ये डिक्रीजिंग कर्व हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ये डिक्रीजिंग, ये डोम शेप है, इससे पहले वाले में वो इंक्रीजिंग था, अब ये डिक्रीजिंग है। देखो के का वैल्यू जब जीरो लिया होगा तो यहाँ से कंसिडर हुआ होगा, ये स्ट्रिप हम लोग कट किए, ठीक है, जीरो से वन के बीच में मान लो, तो अब तुम देखो कि जीरो वाले केसेस में ये वाला लाइन लिया होगा तो ये, ठीक है, फिर वन वाले केसेस में ये आया होगा तो ये, इसके लिए ये आया होगा ये, इसका मतलब जब जीरो वाला केसेस है तुमको ये एक्सपेक्ट कर रहा था दिस, ठीक है, कि ये तुम टर्म्स निकालो, लेकिन तुमने क्या किया, ये इसका एरिया निकाल लिया, इसका मतलब जीरो वाले केसेस में जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम निकाले ना, तो इसका मतलब टी एन जो होगा उस केस में ये एरिया से ज्यादा होगा, मतलब टी एन मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, उसमें लेस आया था, इसीलिए कि ये कर्व डिक्रीजिंग है, वो कर्व इंक्रीजिंग था, दोनों में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमको चाहिए था एन के बराबर जीरो से एन माइनस वन के केसेस में, वो जो हमने कैलकुलेट किया उससे बड़ा चाहिए था, मतलब टी एन शुड बी ग्रेटर देन पाई बाय थ्री रूट थ्री, सो ऑब्वियस है कि एस एन जो होगा शुड बी लेस देन पाई बाय थ्री, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो कि ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ढंग से समझ में आ गया हो, ठीक है, तो बढ़िया से इसको देखो और इसके बेस पर जो क्वेश्चंस है अवेलेबल उसको भी बनाओ, नहीं अदरवाइज तुमको, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस तो हमने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है, इसी चीज को बार बार देखो और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है उसको फिर से अपने से बनाने का कोशिश करो, ठीक है, लिमिट एज ए सम का। तो इसको, इस टॉपिक्स को यहीं डालने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशंस देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कैसे उसमें प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन
इंडिफरेंट में क्या था ना कि इंडिफरेंट में बहुत सारे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन तुम कैलकुलेट नहीं कर पाते, बहुत सारा फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव हम नहीं जानते, नहीं निकाल पाते, ठीक है, कोई मेथड्स नहीं है जिससे हम निकाल पाएंगे। बट डिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं बोलेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन में हर का वैल्यू तुमको आएगा, कोई भी डिफरेंट इंटीग्रेशन दे दो, चाहे तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, चाहे तुम ग्राफिकल से निकालो, जैसे भी निकालो, तुम प्रॉपर्टी यूज करो, तो इसमें आप फंक्शंस का सारा प्रॉपर्टी सब इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब अगला जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन और फिर उसके बेस्ड पर कैसे हम ब्रेक करते हैं, कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो और इस पर प्रैक्टिस करो। ओके, बाय।